हाँ देखो यार, जैसे ड्राइव कर रहा हूँ ना तो मजा नहीं। मेरे को बाल दिखाओ पहले। अबे यार, डेडलॉक वेडलॉक। वैसे इसका नाम है सुहागरा है। वो एक का एक कोका मेरे को चाहिए क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 डब्बा। डिस्काउंट वाला पैटर्न मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये सब कुछ आपने देखा है तो आपको पता है कि क्या होने वाला है। नहीं होने वाला है तो बता देता हूँ। हमें जाना है कुछ ऐसी जगह शॉपिंग के लिए जहाँ बेस्ट से बेस्ट चीज़ मिले। और जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम सबसे पहले अपने मन में क्या सोचते हैं? एक अच्छी प्राइस और दूसरी उसकी क्वालिटी। ये दोनों चीज़ आपको इसी ब्लॉग में मिलेगा, तो चलेंगे सीधे ब्लॉग में। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं जाना कहाँ। देखो यार, ऐसे तो मैंने बहुत जगह बनारस में घूमा हुआ है। ऐसे नॉर्मल शॉप्स हैं जहाँ पे पियर्सिंग और ये बंडाना वगैरह मिलते हैं, वो सब मैंने घूम रखा है। बट अपने को चाहिए कुछ ऐसा जो एकदम अलग हो। और इसी दौरान अपने भाई सतीश भाई ने एक नया शॉप खोला, वाराणसी टैटू शॉप। बहुत सही है। अब वो अंदर जाने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या है, तो बस उसी के लिए चलेंगे। बाकी देखते हैं। वैसे तो मैं तीन चीज़ लेने का प्लान है मेरा। तीन चीज़ मुझे चाहिए था। एक मेरे हाथ के लिए ग्लव्स, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है अब, तो अपने को चाहिए मोगली राइड करने के लिए, हाथ काले हो जाएंगे वो। दूसरा एक अच्छा सा पियर्सिंग और तीसरा एक गॉगल। ये तो है ही, एक और कुछ अच्छा मिल जाए तो। ये तीन चीज़ लेने जा रहे हैं, बाकी कुछ पसंद आएगा तो लेंगे। तो चलते हैं आगे, मिलेंगे आपसे आगे। उससे पहले ब्लॉग शुरू कर देते हैं। हे व्हाट्सअप, कैसे आप सब, बता दो फटाफट। इट्स मी सुमन सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर व्लॉग्स। अपनी सवारी निकल चुकी है। अभी बज रहे 11:53, 11:53। और कुछ ऐसा, हाँ देखो यार, जैसे ड्राइव कर रहा हूँ ना तो मज़ा नहीं आता। कुछ होना चाहिए हाथों में जिसमें थोड़ा सा लुक आए बाइक के साथ। वैसे अरदली बाजार जहाँ मैं जा रहा हूँ वो बहुत पॉश एरिया माना जाता है इस साइड का, वाराणसी में। तो यार, जब भी मैं ये वाला हेलमेट लगाता हूँ ना, GoPro वाला अपना जिसमें मेरा सेटअप लगा हुआ है, ये हमेशा मेरा सर ही भारी कर देता है। इतना भारी हेलमेट, एक्चुअली हेलमेट भारी भी है और दूसरी चीज़ है, मुझे आदत भी नहीं है इतना लगा के। मतलब ऐसा जब भी मैं चलाया हूँ बचपन से गाड़ी, अभी तक मैंने जब भी बाइक चलाए या फिर जो भी चलाए स्कूटी, तो उसमें हमने हमेशा हाफ हेलमेट अपना रॉयल वाला जो देखते हो आप वो पहना है। स्कूल के बच्चे जाते हुए छुट्टी हो गई है। वैसे जहाँ मैं जा रहा हूँ, आप ब्लॉग में कंटिन्यू रहो, अगर आप देखोगे तो आपको वहाँ की चीज़ें पसंद आएंगी। तो अगर आपको अगर लेना हुआ कभी तो आप वहाँ जा सकते हो। हमको जाने दो थोड़ा आगे ताकि हम जल्दी से पहुँच जाएँ। तो इधर पांडेपुर से भी आना चाहो तो भी आ सकते हो, और मैं तो पीछे पीछे आ गया तो भी आ सकते हो। कई रास्ते हैं आने। ये रहा वाराणसी टैटू शॉप, बेस्ट शॉप इन वाराणसी। मैं हेलमेट निकालता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है? तो यार देखा, अभी मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ है ना, और काफ़ी ट्रैफिक नहीं, गर्मी वाले चटके धूप के 12 बजे लेने के बाद फाइनली मैं पहुँच गया हूँ वाराणसी टैटू शॉप। तो ये हैं सतीश भाई। हेलो सतीश भाई। हेलो करो। सब हर हर महादेव सबको। महादेव, ठीक है। तो पहले एक बार देख लेते हैं कुछ कुछ सामान, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे सतीश भाई से कि इन्होंने न्यू शॉप खोली है यहाँ पर गली बाजार है, इतने सेंटर इतने हब में, तो क्या क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, टैटू वैटू भी है, सब कुछ है। चलिए चलते हैं इसी बात पर आगे की चीज़ें आपको दिखा दें हैं अपने अंदाज में। यहाँ
पे इतनी सारी वैरायटी है, वैसे तो डांसर्स के लिए बहुत सही जगह है, बट ये था कि शॉप इन्होंने न्यू ओपन किए तो वो मैं नहीं जान रहा था, है ना। बातचीत हुई, इन्हें बताया कि यार कभी आइए यहाँ पे भी घूमते हैं, थोड़ा देखिए आपको कुछ चीज़ें पसंद आएंगी। और मेरा ऐसा मूड बहुत दिन से बन रहा था, जैसे मैंने आपको बताया था कि यार मुझे ना हैंड ग्लव्स लेने, अब वो हैंड ग्लव्स के लिए मुझे पूरे बनारस में तक घूमना पड़ता है कि कहाँ से लूँ मैं, बिकॉज एक है तो अपना वहाँ दुर्गा कुंड में है, और अब दुर्गा कुंड यार उतना दूर, अपन इधर के रहने वाले पहाड़िया सारनाथ और इधर वाले, तो इधर वाले कहाँ जाएंगे, ऑब्वियसली सी बात है इधर वाले भी अपने पास का कुछ तो देखेंगे। पर मेरे पीछे देखो यार कैप्स बहुत सही है, फिलहाल तो मैंने ये बंडाना लगा रखा है रेड कलर का, लेकिन कैप्स की भी बहुत अच्छी वेराइटी है यहाँ पे, है ना। और ये मेरे ख्याल से कितने कितने हैं कि आइए आप इधर आइए आप देखिए क्या यार सतीश भाई यार ऐसा देखो यार वो उधर उधर खड़े हैं मुझे देख रहे हैं, क्या देखना क्या इधर, पहले तो इनका लुक देखो, बाल देखो पहले आप इनके, है ना, बाल दिखाओ मेरे को, बाल दिखाओ पहले, अबे यार डेडलॉक वेडलॉक देख रहे हो ऐसा क्या, पहले कहाँ से कराया आपने ये ऐसा लुक, कहाँ से लेकर आया डेडलॉक? ये हम दिल्ली से कराए। दिल्ली से कितनी कॉस्टिंग लगी इसको कराने में? इसका 15,000 रुपये। 15,000 मेरे हो जाएंगे थे, लेकिन बाल बढ़ाने कितने लंबे बाल किए थे? शॉर्ट बाल भी होते हैं, अभी इधर भी होता है, मेरे यहाँ भी होता है ये। अच्छा आपके यहाँ हो जाता है? जी जी डेडलॉक मेरे यहाँ भी आ गया है अभी, अब इधर भी चालू हो गया है। अच्छा अच्छा, तो ये सही चीज़ है यार, अगर आपको कभी डेडलॉक कराना हुआ तो यहाँ पे कांटेक्ट हम कर सकते हैं। बाकी ये बताइए ये कैसे, मतलब क्या क्या कैसे प्राइस का क्या है? कौन सा आपको? ये वाला बताइए। 350 है। 350 पिंक कलर है ना ये? जी। ये देखो क्या मतलब अभी चल रहा है, बैग से पैक है ये 350 है। मतलब कितने स्टार्टिंग रेंज? 150 से स्टार्ट है। 150 से लेके 500 तक। चलेगा या कुछ ऐसे शो करूँगा? ये सर आप वैरायटी दिखाइए हमें तो हम देख लें। वैरायटी मैं किस टाइप से दिखाऊँ, मतलब कि आपको भी ऐसे मैं सिंगल सिंगल इसमें रखा हूँ और ऐसे पत्ते में रखा हूँ। ये दिखाइए ब्लैक वाले। ये देखो यार ये भी एक मैंने देखा है, अगर देख रहा होगा तो आपको ऐसे दिख जाएगा देखो, है ना, ये ब्लैक पत्ती है इस पर, अच्छा लग रहा है भाई सा सेलर वाला, वैसे वाला फील है इसका कुछ। आप यहाँ पे ब्लैक के साथ भी इसमें वाइट कलर की ना वो दिया हुआ है अंदर से, ये देखो आई नो इसमें देखा है, पता नहीं आ भी रहा होगा कि नहीं, आ तो रहा है थोड़ा ब्लर है, ये वाला थोड़ा सही लग रहा है। और ब्लू पैटर्न भी दिखा दो? नहीं ब्लू पैटर्न नहीं, इसका सिल्वर भी मिल जाएगा आपको अगर ब्लैक कलर है इसका। मैं सोच रहा हूँ ये वाला मुझे तो बहुत सही पसंद आ रहा है, मैंने ये वाला पसंद किया, फिलहाल मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आ रहा है। पसंद तो बहुत सारे थे, लेकिन एक होता है ना कि बेस्ट में भी बेस्ट निकालना वो अपने साथ ही होता है। ये क्या था भाई, गोली वोली चल रही? ऐसे तो ये वीडियो शूट में चलता है, और वैसे इसका नाम है सुहागरात है। यही चाहिए था जिससे मैं मोबाइल वगैरह भी उठा लूँ ऐसा पहनने के बाद, और उसके बाद लुक भी आए और थोड़ा हाथ वाथ भी बच जाए, टैनिंग वैनिंग थोड़ा बचे रहे। रिबॉक लिखा हुआ है, एडिडास लिखा हुआ है। वैसे तो मैं पूमा लवर हूँ, अपने को पूमा बहुत, मेरे पास हर चीज़ पूमा का ही है। ये सही है, इसमें पूमा प्रो है, मैं प्रो हो जाऊँगा इसको लगाने के बाद। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया यार, देखो मैं आ रहा था तो मुझे चक्के तो लग ही रहते, इसलिए मैं फुल पहन के निकला था कि यार हाथ नहीं काले, मेरे हाथ काले हो जाते हैं, फिर उसके बाद वही है खर्चा घर होता है, 300 रुपये का वो लोग क्या कहते हैं उसको सनस्क्रीन खरीदो, है बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं, खर्चा 125 रुपये का खरीद के यार काम चला लो, उसको लगाने का भी बस खाली पहन के निकल जाओ और काम हो जाता है अपना। एक मुझे यार ये वाला पसंद आ रहा है, सही लग रहा है काफ़ी, इसका लुक भी सही लग रहा है, और जब अपने आएगा मुझे तो ये भी सही लगेगा। ठीक है, अरे इसमें का चश्मा मैंने पहन रखा है पहले, आप लोगों ने देखा होगा इसमें का पहना है मैंने बहुत, ये वाला सही लग रहा है यार, देखो चश्मे भी हैं तो यार मतलब बहुत सारी वेराइटी आपको मिल ही जाएगी यार, मुझे जो पसंद आए वो अभी आ ही नहीं रहा है, देखते हैं कितने देर में पसंद आता है।
ये भी है भाई। ओ भाई पसंद आ गया भाई अपने को, ये पसंद आए लाए ब्रो। बोल दिया पब्लिक का, ऐसा लग रहा है ये चश्मा एक नंबर भाई। इतनी वैरायटी देखने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 डब्बा देखने के बाद ये आ गया है हमें पसंद। ठीक है सतीश भाई, मेरा प्लान है टैटू बनवाने का, बट मैं सोच रहा हूँ अभी क्या बनवाऊँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या हम बनवाएंगे और क्या प्लान है, क्योंकि मुझे हो गया लगभग टैटू बनवाए हुए। लास्ट मैंने अपने बर्थडे पर ना टैटू बनवाया था, और लास्ट मतलब 2 साल पहले। बर्थडे कब है आपका? 20 दिसंबर। भी बहुत टाइम है, थोड़ा सा मैं सोच लूँ कि क्या बनवाना है, उसके बाद फिर करेंगे प्लान टैटू, थोड़ा डिसाइड करिए अच्छे से। हाँ ये भी है, तो बाकी ये सेटअप आप देख लो यहाँ पर। ये हेल्दी था सब, ठीक है, ये सब सिर्फ लाइटर वाइटर है, ऐसा ऐसा कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। ऐसा गलत मत ले लेना कि यहाँ पे ओरिजिनल में पिस्टल और बम बिकता है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई अपना सारा सामान लेके हो चुका है, ठीक है, और जितना भी था सब ले लिया हूँ, और अब जो है काउंटिंग करा के फटाफट निकलने का प्लान है। फिलहाल सतीश भाई के यहाँ कुछ कस्टमर आ गए जिनको टैटू बनवाना है, तो अभी वो थोड़ा व्यस्त हो गए, उसके बाद मैं अपना जितना भी है टोटल करा के निकलूँगा फटाफट। ये तो आइए सतीश भाई बैठिए। हमने खरीदा, ठीक है, मतलब मैंने 4-5 में गिन गया, सोच के आया था कि मैं 4 सामान लूँगा, पर चीज़ें ज़्यादा पसंद आने लगती हैं जब, तो इंसान की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और दिमाग में भी ज़्यादा हो गया तो कीड़ीपन बढ़ जाता है कि नहीं ये ले लेते हैं वो लेते हैं, कि नहीं सतीश भाई, है ना। फिलहाल इन्होंने न्यू ओपनिंग की थी और मैंने ये हुआ था कि यार कभी चलते हैं मिलते हैं, फिर मेरे को ये भी था कि कुछ सामान ले लेते हैं, मैंने कहा ट्राई करते हैं, सतीश भाई ने बोला एक बार आप आओ घूम के जाओ आपको पसंद आए, तो मुझे यार पसंद आ ही गया है, ठीक है। तो इसका मैं आप जोड़ घटाव करा ले रहा हूँ, तब तक आप बताओ आपको कैसा लगा ब्लॉग। वीडियो अगर देख लियो यहाँ तक देखे हो ना, तो वीडियो को लाइक के बिना तो जाना, ठीक है। अगर हमारे लिए मतलब हमारे देख के वीडियो कोई कस्टमर आता है तो उनके लिए क्या मतलब बताइए आप उनको। 20% सीधा डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, तो SSR और 20% तो ये 3 आप कोड रहेगा मेरा, SSR 20% ऑफ रहेगा, अगर ये आप जाओगे यहाँ पे बताओगे और आप बता दोगे कि उनके थ्रू से आए हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मेरे इस वाले भी शॉप पे, उस वाले भी शॉप पे, उस वाले शॉप पे भी, पांडेपुर भी, तो आपको यार अब क्या यार दो दो शॉप पांडेपुर भी है और यहाँ पे भी अर्दली बाजार, अभी आपको जहाँ लेना है आपके ऊपर है, लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। इनका जो इंस्टाग्राम का लिंक है जहाँ पे इनका काम है टैटू का, वो मैं अपने अभी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाओ बिंदास चेक करो, देखो अच्छा लगे तो आओ और बनवाओ, ठीक है। दिखा दिया, बता दिया, मैंने भी अपना सामान ले लिया, तो अभी आगे का काम आपका है। हमने भाई अपनी शॉपिंग कर ली है, यहाँ पे अपना सारा सामान है और अब चलने की बारी आ गई है, सतीश भाई को बाय करेंगे, तो थैंक यू सो मच, ठीक है, बिल्कुल आते हैं आपकी शॉप पे, दोबारा मुलाकात होगी और दोबारा कुछ आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे, जैसा कि इतना सारा कुछ आपने देखा। और अभी जहाँ मैं बात कर रहा हूँ ये बाहर का लोकेशन है, बाहर का लोकेशन भी बहुत अच्छा है, शूट वूट करना होगा ना तो यहाँ पे कर सकते हो, ऐसे वीडियो वीडियो के लिए बहुत सही लोकेशन है ये भी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मैं यहाँ से इतने में सामान लेके जाता हूँ, फिर दूसरे ब्लॉग में कुछ और सामान लेने आऊँगा, तो फिर दोबारा मिलूँगा आपको और दोबारा नई चीज़ों के साथ मिलेंगे, तब तक कुछ और बढ़िया भी सामान आएगा। मंडे को चलिए ठीक है, अगर किसी को आना है यार तो बिल्कुल मंडे मंडे में आओ, चेक करके जाओ, तो आना देखना अच्छा लगेगा आपको, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो दादा शेयर करो, बनारस में टैटू लवर जितने उनको पहुंचाओ यार, देखो आओ बनवाओ, मैं आपका भाई खुद बनवाएगा इधर आके, उसके बाद फिर अगला भी ब्लॉग उस पर भी होगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून, नेवर गिव अप ऑलवेज।